हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स से मिलवाती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन बेहतरीन डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट्स को आपसे मिलवाऊँ जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट तो हैं ही, पर वो अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आज हमारा ये जो एपिसोड है, ये स्किन एंड हेयर स्पेशल एपिसोड है, और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो है डॉक्टर महिमा अग्रवाल। डॉक्टर महिमा अग्रवाल का सेंटर है डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी का, मीरा डर्म के नाम से, पीतमपुरा में, दिल्ली में। और डॉक्टर महिमा अग्रवाल इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट एट फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। वेलकम टू द शो डॉक्टर महिमा, वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू डॉक्टर मीनू, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। डॉक्टर महिमा, सबसे पहले तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो मेरे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, अबाउट हेयर फॉल एंड हेयर लॉस इन वुमेन। तो डॉक्टर महिमा, क्या औरतों में भी गंजापन होता है? हाँ डॉक्टर मीनू, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। जैसे कि हमारी एक जनरल, हम जानते हैं, सब समझते हैं कि मर्दों में गंजापन होगा, और ये बहुत सोशली एक्सेप्टेबल है अगर कोई किसी मेल या किसी पुरुष में गंजापन होता है, बट महिलाओं में भी गंजापन होता है, ये एक फैक्ट है। अगर हमारे पास 100 मरीज आते हैं हेयर की प्रॉब्लम्स लेके, उसमें से 40 महिलाएं होती हैं। ओके। और पुरुषों में तो अगर गंजापन होता है सोशली एक्सेप्टेबल है, वो बॉल्ड हो सकते हैं, बट महिलाओं में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जी। और बिल्कुल होता है। ओके। तो डॉक्टर महिमा, इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई सोल्यूशन? बिकॉज जैसे आपने बताया, इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, तो जाहिर सी बात है जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता होगा, एंड इफ़ देर इज़ नो ट्रीटमेंट तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। और यहाँ मैं बस एक चीज़ और आपको और व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि दो अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है हेयर लॉस और एक होता है हेयर फॉल। जी। हेयर लॉस का मतलब है अगर हम अपने आप को आईने में देखते हैं और हमें अपने सर पे बाल दिखने कम हो गए जी, कि सर की त्वचा दिखनी स्टार्ट हो रही है जी, जी। वो हो गया हमारा हेयर लॉस जी। और हेयर फॉल होता है कि जब हम शैम्पू कर रहे हैं या बालों में कंघी कर रहे हैं तो खूब सारे बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये दो अलग प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों का बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, इनके बिल्कुल अलग कॉजेज हैं, तो हम एक एक करके दोनों डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी कॉमनली मिक्स्ड विद व्यूअर्स, नॉर्मली यही होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि हेयर फॉल है या हेयर लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये दोनों ही टर्म्स लोग यूज करते हैं। तो अगर हम हेयर लॉस की बात करें, वो जनरली महिलाओं में ऐसा होता है कि जो हमारा सेंटर पार्टीशन होता है फोरहेड का, वो बड़ा हो जाता है, वो हाँ वो ब्रॉड होने लग जाता है। और अगर हमें सिंपल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, इसका टेक्निकल टर्म होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो थोड़ा जेनेटिक होता है, थोड़ा हार्मोनल होता है, यूजुअली मिड ट्वेंटीज में स्टार्ट हो जाता है। ओके। इतना जल्दी धीरे धीरे करके सेंटर पार्टिंग थोड़ी 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 चौड़ी होने लग जाती है। अगर सिंपली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है तो बाल झड़ने की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जी। क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके, इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो बाल का डायमीटर है, थिकनेस है, वो पतली होती जाती है, बाल इतने झड़ते नहीं हैं। ओके। और इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं, खाने वाली मेडिसिन होती हैं, और बहुत सारे टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, PRP वगैरह। ओके। बट अगर हम हेयर फॉल की बात करें, उसके बिल्कुल अलग कारण होते हैं। तो डॉक्टर महिमा, अगर 20 की एज में अगर ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, हम तो नॉर्मली सुनते हैं कि किसी का अगर पार्टिंग जैसे ब्रॉड होने लगता है तो हम सोचते हैं पार्टिंग चेंज कर दो, सो इफ़ यू कीप ऑन चेंजिंग यू डोंट फाइंड दैट प्रॉब्लम। हाँ। बट ये तो आपने बताया कि इट्स लाइक वेरी, इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम। यस, इट्स अ प्रॉपर मेडिकल इलनेस। ओके। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इज देयर एनीथिंग दैट, बिकॉज इतने छोटे बच्चे तो 20 इयर्स की एज में नोबडी विल वांट टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज सच। तो मैं चाहूंगी आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताइए, मे बी समथिंग टू डू विद द डाइट, मे बी टू डू समथिंग विद द एक्सरसाइज हेयर लॉस के लिए, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कोम करो, ब्रश योर हेयर और समथिंग। मैं चाहूंगी आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेंटर पार्टिंग चौड़ी हो रही है,
तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कोई हमारी बॉडी में अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, जैसे कि आजकल PCOS या PCOD बहुत कॉमन कॉज है जिसमें एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आ सकते हैं जो जनरली लड़कियों में नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। पीरियड्स के साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं, फेस पे पिंपल्स या एक्ने ज़्यादा लंबे आ सकते हैं, मतलब इवन आफ्टर टीनेज ईयर्स परसिस्ट कर सकते हैं जी। तो अगर हमें लगता है कि कोई सिंड्रोम है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो हम और इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है जी। अगर हमें कोई सिंड्रोम नहीं लगता, हमें सिंपल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस लगता है, तो हम जनरली पेशेंट्स को लोशंस वगैरह पे स्टार्ट करते हैं। ओके। बट इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। मेजॉरिटी महिलाएं आयरन डेफिशिएंट होती हैं और एक बहुत कॉमन सोच ये है कि हम अपना हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन हमारा 12 होता है या 13 होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं। बट बालों के लिए सीरम फेरेटिन ज़रूरी है। ओके। कि वो हमारी बॉडी में कितना है, बालों अच्छे बालों के लिए हमारे अंदर फेरेटिन की वैल्यू 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। और सिर्फ हीमोग्लोबिन जानना शायद इनफ नहीं है। हाँ। तो हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर थोड़ा भी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि हमारा जंक फूड ना हो डाइट में, बहुत तला हुआ ना खाएं, ना फैटी हो तो ना डिफिकल्ट खाएं, है कम तो कर सकते कम हैं। ही करें बिल्कुल, लाइफ जीना ना छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सरसाइज रेगुलर करें जी। और जो स्पेसिफिक मेडिसिंस हैं वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती हैं। ओके। कुछ नाम हैं जैसे मिनोक्सिडिल वगैरह, वो दी जाती हैं तो उससे वो प्रोग्रेशन रुक जाता है। ओके। जो हमें 20s या 30s में स्टार्ट हुआ, जो और धीरे धीरे करके मांग चौड़ी होने वाली है, एटलीस्ट वो हम स्टॉप कर देते हैं। ओके। और थोड़ी रीग्रोथ भी एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल मेडिसिन से। ओके। और फिर खाने की भी होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके। डॉक्टर महिमा, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, हेयर फॉल। हाँ जी। कई लोग तो ऐसी प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा हेयर फॉल फेस करते हैं कि सुबह उठते हैं तो पिल्लों पर भी बाल, और वो कहते हैं हमें तो कंघी करते हुए भी डर लगता है क्योंकि बाल गिरेंगे और फिर ऐसे लगता है बाल खत्म ही हो जाएंगे। हाँ। तो एंड आई थिंक दिस इज समथिंग एवरी एज ग्रुप हैज दिस प्रॉब्लम, तो मैं चाहूँगी इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा एड्रेस करें। बिल्कुल। हेयर फॉल, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी दर्शकों को कि कुछ हेयर फॉल नॉर्मल होता है। रोज के हमारे 50 से 150 के बाल तक के बाल गिरते हैं, एवरेज होता है 50 to 100, जो हमें जनरली पता भी नहीं चलते। हम चल फिर रहे हैं, हमने शैम्पू किया, हमने कोम किया, थोड़े बाल गिर जाते हैं। विमेन को थोड़े ज़्यादा पता चलते हैं क्योंकि बाल लंबा होता है, मेन को तो उतना भी नहीं पता चलता। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, इससे ना घबराएं। कभी भी हमें लगता है कि हमारा 100 से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इन अ सिंगल डे, देन वी नीड इवेल्यूएशन। ओके। तो हमें देखना है कि ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है बॉडी में जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ गया, जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी। एक बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं अक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम। ओके। जिसमें सडनली, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन, मतलब इन अ मैटर ऑफ वीक्स, सडनली बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जनरली महिलाएं बोलती हैं कि हम जब भी कोम करते हैं या बाल धोते हैं तो फर्श पे बाल ही बाल हो जाते हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं बैग में, प्लास्टिक बैग में बाल लेके कि डॉक्टर कलेक्ट करके दिखाने के लिए कि हमारे बाल वाकई झड़ रहे हैं, क्योंकि बाल झड़ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली नहीं माना जाता हमारी सोसाइटी में। बट कभी भी बाल झड़ने की नंबर ऑफ बाल अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसका अक्सर जो कारण होता है वो 2-3 महीने पहले होता है। ओके। कि किसी को इसके कॉमन कारण होते हैं कि हमें कोई सीवियर इलनेस हुई, जैसे हमने कोविड के बाद बहुत देखा, वेरी वेरी कॉमन, जो स्पेशली जो अगर आपको याद होगा ये अप्रैल 2021 में जो बहुत सीवियर वेव आई थी, सेकेंड वेव। हाँ। तो हमने जुलाई अगस्त सिर्फ हेयर फॉल के केसेस आते थे हमारे ओपीडी में। करेक्ट।
तो ना सिर्फ कोविड, डेंगी, मलेरिया, टाइफॉइड, कोई भी सिग्निफिकेंट इलनेस हुई जिसने बॉडी पे स्ट्रेस डाला, या बहुत सिवियर मेंटल टेंशन, जैसे किसी बच्चे के एग्ज़ाम्स हों, बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, या कुछ फैमिली में इशू हो जिसकी वजह से बहुत सिवियर टेंशन हो, तो उसके 2-3 महीने बाद बाल बहुत झड़ सकते हैं. और समहाउ विमेन में हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, अप एंड डाउन होते रहते हैं हार्मोन्स. तो कॉमनली चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत हेयर झड़ते हैं जब आपका बेबी 2-3 मंथ्स का होता है. तो ये विंडो पीरियड 2-3 मंथ्स का फिक्स्ड होता है. कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बॉडी पे मेंटल स्ट्रेस, या किसी डिजीज़ का स्ट्रेस, या हमने क्रैश डाइटिंग करी, सडन वेट लॉस किया जी. कोई डाइट में मेजर चेंज आया, तो उसके 2-3 मंथ्स के बाद खूब सारे बाल झड़ते हैं. ओके डॉक्टर महिमा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. स्पेशली वी ऑलवेज हियर दैट स्ट्रेस रिलेट्स टू हेयर फॉल, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मुझे अच्छी लगी दैट देयर इज अ विंडो पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स एंड दिस इज समथिंग वी डोंट कोरिलेट. तो हम सोचते हैं सडनली हुआ एंड वी आर नेवर एबल टू कोरिलेट के 2-3 महीने पहले क्या हुआ था. Absolutely. जिसकी वजह से ये हो रहा है. तो वो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है जैसे आपने बताया, और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकती है, डिलीवरी भी हो सकती है. सो दिस इज एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव फॉर माई व्यूअर्स. तो डॉक्टर महिमा, इसका किया क्या जा सकता है? ये यू हिट द बुल्स आई जैसे कहते हैं ना, कि ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया. सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, अगर आप में से कोई इस टाइप का हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि हाँ मुझे 2-3 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ था, अब तो सोचेगा, अब सोचेंगे जी, तो पहली बात आप अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए कि आपके सारे बाल वापस आ जाएंगे. और क्योंकि इसमें रूट्स आपकी सब नॉर्मल रहती हैं, सब हेल्दी रहती हैं, सारे बाल आएंगे ही आएंगे, प्रोवाइडेड आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है. ओके मतलब आपका आयरन लेवल, विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स, आपकी बहुत हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए. अगर हम बालों की बात करें तो बाल एक प्रोटीन का धागा है. और अब जितने बाल झड़े हैं बॉडी को वो फिर से बनाने हैं, रिफिल करना है, तो बहुत हाई प्रोटीन डाइट चाहिए. तो अगर हम ये जनरल चीज़ें करा लेंगे, कि कुछ ब्लड टेस्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट कराते हैं, कुछ डेफिशिएंट आता है तो वो बहुत इजीली करेक्ट हो जाता है. हम अपनी डाइट में चेंजेस करें, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स अच्छे से लें, तो ये ठीक हो जाएगा 100%. डॉक्टर महिमा, एक चीज़ मैं और चाहूँगी आपसे. आपने बहुत कुछ अच्छा बताया हेयर फॉल के बारे में, हेयर लॉस के बारे में, दोनों का डिफरेंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो शायद नॉर्मली लोगों को नहीं पता था. मैं चाहूँगी आप कुछ ऐसा भी मेरे व्यूअर्स को बताएं, बिकॉज ये बहुत छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक रहने वाली प्रॉब्लम है. तो कुछ घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज जो मेरे व्यूअर्स घर बैठ के भी इसका यूज़ कर सकें. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर हम बालों की बात करें है हमारी डाइट. हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए जो हम खा रहे हैं. इंस्टेड ऑफ हम अपने पैसे स्पेंड करें शैम्पूज़ में, कंडीशनर्स में, सीरम्स में, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी डाइट कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है. तो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए. नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वेजिटेरियन सोर्सेज, दाल, दूध, दही, सोया पनीर, स्प्राउट्स, बेसन के चीले खूब खाएँ, उससे हेयर बहुत अच्छे होते हैं. और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई डाइटरी डेफिशिएंसी ना होने दें. एक चीज़ मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि क्या ना करें. हम बहुत कॉमनली देखते हैं डॉक्टर मीनू कि हमारी सोसाइटी में ये एक गलत धारणा है कि अगर कोई हेयर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे अनियन जूस रब करें या गार्लिक जूस रब करें. कट से यूट्यूब. हाँ जी. तो डेफिनेटली साइंस सपोर्ट करता है अनियन जूस और ऐसे इत्यादि प्रोडक्ट्स को, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, एलियम सीपा के नाम से उनके जूसेस अवेलेबल होते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, टेस्टेड हैं, वो लगाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो ये बहुत हाई लेवल के इरिटेंट होते हैं जो स्कैल्प की स्किन इरिटेट करते हैं, रेड करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं और वहाँ रूट्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओह माय गॉड. तो ये उल्टा पड़ सकता है जी. तो ये बिल्कुल ना करें. जी बिल्कुल. वेरी नाइस डॉक्टर महिमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. मैं समझती हूँ ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कन्फ्यूजन और गलतियाँ। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। वेलकम बैक दोस्तों, अब स्किन की बात करते हैं। अक्सर देखा जाता है हमें एक्ने, पिट्स, पिगमेंटेशन, जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कुछ लोकल एप्लीकेशन, ओरल कंजम्पशन और ये सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी कई चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, और वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ट्रीटमेंट्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स करवाने की या प्रोसीजर्स करवाने की। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों में, और इन्हें क्लियर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता मैम। शी इज़ फाउंडर ऑफ डिवाइन स्किन एस्थेटिक्स। इनका डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स का क्लिनिक है पंजाबी बाग में। आइए मिलते हैं इनसे। वेलकम टू द शो संगीता मैम। थैंक यू डॉक्टर मीनू, इट्स गुड टू बी हेयर, एंड स्पेशल थैंक्स कि आपने मुझे मौका दिया। जो मिथ है लोगों का, या फिर स्किन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ अपनी राय और एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। संगीता मैम, पहले तो जब हमें कोई स्किन इशू होता था, कोई इचिंग है या कोई रैशेज हो गए हैं या कोई पिगमेंटेशन है, बर्न हो गया, तभी लोग जाते थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते थे। बट आज के सिनेरियो में ये चीज़ें काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं। पीपल गो फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ऑल्सो टू बिकम मोर, टू लुक यंग। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को आप बताएं, व्हेन शुड अ पर्सन विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? डॉक्टर मीनू, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक मिथ है। पहले के लोग सोचते थे कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब ही है कि हमें कोई प्रॉब्लम है जी, कोई मेडिकल इश्यूज आ गए हैं, तभी हम डॉक्टर को विजिट करते हैं। लेकिन आज मेडिकल साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है जी, तो आज के डेट में खुद को अपडेटेड रहने के लिए या ब्यूटीफुल दिखाने के लिए लोग विजिट करते हैं, करना चाहिए जी। जो लोग नहीं करते हैं कुछ यूट्यूब से या गूगल से या मैगजीन से, पहले के लोग भी दादी नानी के नुस्खे अपनाया करते थे, वो आज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके बैड इम्पैक्ट्स हमारे स्किन पे, हमारे बालों पे, हमारे बॉडी पे पड़ते हैं जी। तो मेरा ये सजेशन है हर किसी के लिए कि खुद से कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करे, और जो भी आसपास के हैं, इधर स्किन एक्सपर्ट हो, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे पूछ करके ही एक नॉर्मल सीटीएम जिसको कहते हैं, क्लिंजिंग, मॉइस्चराइजर एंड टोनर का, वो भी एक अगर आप एक्सपर्ट से पूछकर आप करते हो तो वो बताएंगे आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, सो दैट कि आपका स्किन डैमेज ना हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। अगर जो आप यूज़ कर रहे हैं वही सेम चीज़ मैं यूज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो अगर पूछ कर करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, तो हमारा इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता जी, है जी, बिल्कुल। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट को तभी विजिट करेंगे जब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्ने हो गया है जी, तभी विजिट करें, बट ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए भी आप एक डॉक्टर से सजेशन लेकर आप रूटीन में चेंजेस लाएंगे तो लाइफ लॉन्ग वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है जी। मैम, अक्सर देखा जाता है जैसे ही हम सुनते हैं नाम ट्रीटमेंट का या प्रोसीजर का, तो सबसे पहले हमें लगता है कि कोई हमें प्रॉब्लम है या हम बीमार हैं। तो जैसे आजकल बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, ये नए नए टर्म्स हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, और कभी लगता है कि दिस इज़ ओनली मेंट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री और मे बी ओनली फॉर मॉडल्स, बट हाउ डू यू टेक दिस? यस, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री येस ऑफ कोर्स हमारे पूरे सोसाइटी को डोमिनेट करती है। हर कोई उनके तरह दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है मैं बहुत सुंदर दिखूँ। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनके कॉम्प्लेक्शंस फेयर हो या कोई भी कंसर्न नहीं होता है स्किन पर। कुछ क्या होता है कि बचपन से केयर नहीं करते हैं, स्कूल एज कॉलेज एज में वो केयर नहीं करते हैं, तो वो डैमेजेस हमें दिखता है एक सर्टेन एज के बाद, 25 जैसे क्रॉस करते हैं, तो हमारे जो नेचुरल बॉडी की क्षमता होती है प्रोड्यूस करने का, वो स्लो डाउन थोड़ा थोड़ा होने लगता है। जो हमने इग्नोरेंस किया होता है अपने अर्ली एज में, वो बाउंस बैक करता है हमारे 25 के बाद। तो ये जो ट्रीटमेंट, ऑफकोर्स ट्रीटमेंट इसलिए भी कहते हैं कि हमें कैटेगरी जो नॉर्मल पहले भी लोग अभी कराते ही हैं, पार्लर में जाते हैं, हर एज के लोग जाते हैं, चाहे वो इधर फेशियल कराने, आईब्रो बनाने या वैक्सिंग का,
तो ये एक एक्सपर्ट यहाँ पे सजेस्ट करते हैं एज पर बॉडी, एज पर रिक्वायरमेंट कि किनको क्या कराना चाहिए। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट ही है, बट ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो अगर ये नहीं कराएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या आप कराते कराते बीच में आपने रोक दिया तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी या कुछ खराब हो जाएगा। जो लोगों के मन में ये मिथ है कि एक बार मैंने बोटॉक्स करा लिया फिर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, मेरा स्किन खराब तो नहीं हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं यूज़ करती हूँ, मैंने काफ़ी सालों से यूज़ किया है और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हमारे क्लिनिक पे हुआ है और बीच में उन लोगों ने डिसकंटिन्यू भी किया है। ओके, बट ऐसा नहीं होता कि उनकी स्किन डैमेज हो जाए, उनकी स्किन खराब हो जाती है। ओके, वो बोटॉक्स हो गया या फिलर हो गया ये प्योर फॉर्म में होता है। ओके, जिस चीज़ को हम ट्रॉपिकल लगाते हैं हमारे हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ओके, इनकी फॉर्मुलेशन, बट वो ट्रॉपिकल होता है और एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तब जाकर आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। बट इसी को इन्वेसिव में, इंजेक्टेबल वे में हम लोग इंजेक्ट करते हैं जी। तो प्योर फॉर्म में जब जाता है एक पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया पे तो रिजल्ट हमें इमीडिएट दिखता है और एक लॉन्गर टाइम के लिए। तो जो लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं कि ये सारे प्रोसीजर लाइक जितने भी इंजेक्टेबल्स हो गए, बोटॉक्स, फिलर्स, इनको नहीं कराना चाहिए या फिर दीज आर नॉट मीन्ट फॉर अस, ये सिर्फ सेलिब्रिटी या फिर जितने मॉडल्स हैं उनके लिए है, उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि वो लोग ही ये करा सकते हैं। इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स फॉर गुड। ओके मैम, बोटॉक्स और फिलर्स तो बड़ा एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया, तो ऐसे वाले जो भी प्रोसीजर्स हैं इनके लिए डेफिनेटली आपको अपने सेंटर को बहुत अपडेटेड रखना पड़ता होगा। तो इसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ नॉर्मली होती हैं एक एस्थेटिक सेंटर में? डेफिनेटली डॉक्टर मीनू, हमें एवरी डे लाइक यू नो देखना पड़ता है कि क्या न्यू आ रहा है। यस, एडवांस्ड वर्जन हम लोग ऑप्ट करते हैं, चाहे वो मशीनरीज की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें। तो डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं, मेडिकल साइंस भी काफ़ी आगे बढ़ रही है एंड डेवलपमेंट हो रहा है। जो प्रोडक्ट या जो मशीन की बात करें आज से 4 साल पहले था वो आज नहीं है, आई मीन चल रहे हैं बट रिजल्ट में डेफिनेटली न्यू वर्जन आ रहे हैं। पहले अगर लेजर की बात करें तो बहुत पेनफुल हुआ करता था लेजर मशीन, आज के डेट में पेनलेस हो गया है। तो इसी तरह से हाइफू है जिनको इन्वेसिव नहीं कराना होता है कि नहीं नीडल मुझे अपने स्किन पे नहीं चाहिए, तो दे गो फॉर हाइफू। हाइफू इज लाइक हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक रेंज होता है जो हम लोग देते हैं। एक लेजर ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट बेसिकली होती है कि पर्टिकुलर उस एरिया को टारगेट करके हम लोग हीट देते हैं। किसी को डबल चिन है या फिर फेस पे सैगनेस आ जाती है, तो इसी तरह हर मशीन का अपडेशन होता रहता है, हर 6 मंथ्स इन ए ईयर हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं, एडवांस वर्जन लाते हैं, डॉक्टर भी अपडेटेड होते हैं, उनको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं कि न्यू क्या आ रहा है। पीआरपी लॉन्च हुआ था आज से काफी साल पहले, बट उसमें भी बहुत सारी न्यू चीजें आ चुकी हैं। अलग अलग ट्यूब्स आते हैं, तो एडवांसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। जी बिल्कुल मैम, छोटे बच्चे भी आते होंगे आपके पास, यंग टीनेज जैसे एक्ने, पेट्स, ये तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। और एट द सेम टाइम हार्मोनल चेंजेस के वजह से मेनोपॉज के टाइम जो पिगमेंटेशन और ऐसी चीज़ें की प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइप के भी लोग आते होंगे आपके पास। यस डॉक्टर मीनू, एक्ने का क्या है कि स्टेजेस होते हैं। एक तो एक्ने हो जाता है लाइक हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो मोस्टली टीनेजर्स में देखे जाते हैं, बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत यंग लाइक बच्चों को भी होने लगते हैं क्योंकि अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा आज लोग ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, वो लोग केयर नहीं करते अपने स्किन के देखभाल या क्लिंजिंग की बात करूं तो नहीं करते, उसकी वजह से भी एक्ने होते हैं। सेकंड एक्ने किसी के लाइक प्रेगनेंसी के टाइम में भी हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोनल काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। और आपने मेंशन किया मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम में हर एक पर्सन
डिफरेंटली रिएक्ट करता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस टाइम में किसी को एक्ने होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, मिलाज़मा हो जाता है. तो इस तरह के कई सारे चेंजेस आते हैं. एंड उस केस में डेफिनेटली हमारे जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको ट्रीटमेंट एज वेल एज ओरली लेने के लिए, ट्रॉपिकल लगाने के लिए भी सजेस्ट करते हैं. मैम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, लेज़र हेयर रिमूवल एक तरह से तो अच्छा है बिकॉज वैक्सिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग ऑप्ट करने लगे हैं आज लेज़र के लिए. लेकिन इसमें अक्सर कहा जाता है कि इसका रिज़ल्ट, किसी सेंटर में रिज़ल्ट आता है और किसी सेंटर में रिज़ल्ट नहीं आता. तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ द रीज़न? इज़ इट ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी? यस, टेक्नोलॉजी भी मैटर करता है. एंड हु इज़ डूइंग दैट प्रोसीजर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जी, अल्टीमेटली मशीन तो सभी जगह होता ही है. आप अगर देखेंगे हर क्लिनिक में ऑलमोस्ट होता है, आप एंड ऑन 90 और 20 का आप कर सकते हैं वेरिएशन, मशीन ऑलमोस्ट एक ही होता है. ठीक है, लेकिन एक क्लिनिक दूसरे क्लिनिक से बेटर कैसे है वो इस चीज़ से आप रेफर कर सकते हैं कौन कर रहा है. ओके, ठीक है. मैं आप एक को एक एग्जाम्पल बताना चाह रही हूँ, जस्ट टू लाइक यू नो एक्सप्लेन माई वर्ड्स, कि मेडिसिन का नाम तो हमें पता होता है, हम फार्मेसी से भी खरीद सकते हैं, बट कोई इंजेक्शन खुद नहीं लगा लेते हैं. सिमिलरली या लेज़र की मशीन है, वो हो जाने से ही सारे ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा. जी, अगर एक डॉक्टर करता है, परफॉर्म करता है, और एक नॉर्मल कोई भी टेक्नीशियन या जस्ट एक दिन दो दिन ऑब्जर्व किया हो और वो अगर कर रहा है, तो डेफिनेटली रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा, वो रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाएगा. एक तो रीज़न ये होता है. दूसरा रीज़न ये भी है कि पर्सन टू पर्सन हमेशा वैरी करता है. ओके, किसी को सेकंड सिटिंग में, थर्ड सिटिंग में ही रिजल्ट दिखने लग जाता है, किसी को फर्स्ट सेशन से ही दिखने लग सकता है, और किसी किसी को सिक्स सेवन्थ में भी नहीं दिखता है. उस केस में होता है, क्योंकि आज के डेट में यंगस्टर में आप जानती हैं कि PCOS PCOD का काफ़ी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज, राइट? तो उनके ऊपर डेफिनेटली थोड़ा डिले होता है रिजल्ट में. कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें किसी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से भी रेफर करना पड़ता है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा PCOS इम्बैलेंस हो, तो ओरल भी हमें कुछ मेडिकेशन चलाने पड़ते हैं. ओके, यस. उस केस में ऐसा भी नहीं है कि हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या मेडिसिन का नाम है तो हम लोग सारे मेडिसिन खुद प्रिस्क्राइब करते हैं. ओके, डेफिनेटली उनके रिपोर्ट्स टेस्ट कराने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, और वो जितने रिपोर्ट्स होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट से हम लोग कंसल्ट करके उनको फिर बताते हैं. ओके, और रेफर भी करते हैं. ओके ओके. संगीता मैम, आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स ब्यूटी पार्लर्स में भी मैंने देखा है लोग करवाते हैं, और वहाँ पर भी ये चीज़ें आजकल चल रही हैं. तो इज़ इट रिकमेंडेड टू गो टू अ पार्लर एंड गेट द सेम थिंग डन? देखिए, पार्लर में डॉक्टर मीनू जैसे कराते हैं कुछ भी ट्रीटमेंट, अगर मैं बात करूँ PRP का, तो अगर इन केस वो रॉन्गली हो जाता है या कहीं गलत इंजेक्ट हो जाता है, उसको अंडू करना बहुत मुश्किल होता है. इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं होता है समटाइम्स. तो फिर अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते भी हैं, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को रिपेयर करना. स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है तब तक. संगीता मैम, आजकल बच्चों को भी होता है कि हमें भी ये ट्रीटमेंट्स कराने हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, खासकर मीडिया में देखकर. तो क्या एज होती है या क्या सिम्टम्स हैं, कब पता चलता है कि हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? डॉक्टर मीनू, बोटॉक्स और फिलर का सिम्टम्स यही होता है, लाइंस पे पता चलता है कि हमारे फेस पे एजिंग लाइंस है, वो आने लग जाती है, तब करते हैं. बट रिकमेंड है आफ्टर 25 हम लोग सजेस्ट करते हैं, 18 से पहले तो कुछ भी सजेस्ट नहीं करते हैं इंजेक्टेबल्स. ओके, बट मोस्टली 25 के बाद ही हम लोग रेकमेंड करते हैं कोई भी इंजेक्टेबल्स प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ लाइक बोटॉक्स और PRP. अदर देन ट्रीटमेंट 18 के बाद कोई भी कर सकता है. मैम, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को फेयरनेस का एक नशा होता है कि फेयर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, आर दे एक्चुअली सक्सेसफुल? यस, इट इज. ओके, देखिए, ये हमारी पुराने ज़माने से ही है, चलता आ रहा है कि जो गोरे नहीं हैं वो सुंदर नहीं हैं, चाहे उनके फेस का कितना भी शार्प हो. तो वो आज भी है, लोग अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो चाहते हैं कि उनका एक टोन, दो टोन और थोड़ा लाइटर हो, या स्किन ब्राइटनिंग हो. तो
आज के डेट में एस्थेटिक वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो बिल्कुल गोरा तो चमत्कार नहीं कर सकते, बट यस ऑफ कोर्स आपका 2 से 3 टोन तक लाइटर हो जाता है। ओके, थैंक यू संगीता मैम, बहुत सारे मिथ्स आपने लोगों के क्लियर किए, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप संगीता मैम से बात कर सकते हैं, इनका क्लिनिक डिवाइन स्किन एस्थेटिक्स पंजाबी बाग में है, क्लब रोड पे दिल्ली में। इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनके क्लिनिक को विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और एक्सपर्ट के साथ, जुड़े रहिए डॉक्टर मीनूज़ शो में। थैंक यू।